हेलो गाइस, चलिए आज की क्लास हमारी होगी अगेन तीसरी क्लास मोशन पर। आज हम लोग मोशन इक्वेशन कवर करेंगे। इसमें ग्राफ भी थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग, ग्राफ के कॉन्सेप्ट जितना हमें नाइन्थ के लिए ज़रूरत है, और लास्ट में सर्कुलर मोशन। ठीक, तो पहले स्टार्ट करते हैं मोशन इक्वेशन। इनके प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। बचा क्या है अब हमारे पास, मोशन इक्वेशन, फिर ग्राफ के कुछ कॉन्सेप्ट, और लास्ट में हमारे पास सर्कुलर मोशन बचा है, और मोशन हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर मोशन इक्वेशन। तो मोशन इक्वेशन कवर करने से पहले या कंप्लीट करने से पहले मैं बताऊं तो एक्सलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम इंटरवल, ये पढ़ा था हम लोगों ने। तो अगर ये एक्सलरेशन की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में स्पीड 1 रहा हो, फिर 1 सेकेंड बाद 2 हो गया हो, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड बाद 3 हो गया हो, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में 4 हो गया हो। तो इनके बीच का देखिए, एक एक सेकेंड बाद इसकी जो वेलोसिटी बढ़ रही है उसके बढ़ने का रेट क्या है, सेम है। 1 से 2 होना मतलब 1 इंक्रीमेंट, फिर 1 इंक्रीमेंट, 1 इंक्रीमेंट, तो ये लगातार एक्सलेशन क्या है, हर बार बढ़ने का फिक्स है। ऐसे एक्सलेशन को हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट एक्सलेशन। तो ये जो इक्वेशन बनाए जाने वाले हैं वो कौन से एक्सलेशन के लिए बनाए जाने वाले हैं, कॉन्स्टेंट एक्सलेशन के लिए। ऐसा नहीं कि पहले स्पीड 1 से 2 हो, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में इसका 2 से 5 हो जाए, तो यहाँ इंक्रीमेंट कितने का हो जाएगा, 3 का। तो देखिए एक्सेलरेशन बदल रहा है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी के चेंज होने का रेट। एक एक सेकेंड में हुआ तो सब, तो टाइम तो सेम हो गया सब में। जब टाइम सेम होगा तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, वी माइनस यू के। तो वी माइनस यू वन, वी माइनस यू थ्री, यहाँ पर मान लीजिए 8 हो जाता है तो इसका माइनस करेंगे 3 आएगा, यहाँ मान लीजिए 9 हो जाता है तो इनका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये वेरी कर रहा है, देखिए कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, तो एक्सलेशन क्या हो जाएगा उसमें, वेरिएबल। उसके लिए ये नहीं होता है, ये किसके लिए होता है, कॉन्स्टेंट एक्सलेशन के लिए होता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो मोशन में दिया रहेगा कि एक्सलेशन कॉन्स्टेंट है और उसकी वैल्यू दी भी रहेगी कि कितने से बढ़ रहा है, हर सेकेंड स्पीड कितनी बढ़ रही, वही क्या होता है, एक्सलेशन होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखिए हमें इसको करना है ग्राफ से, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है मोशंस के इक्वेशन को। क्लास 11th में जाएंगे तो आपको कैलकुलस मेथड से भी करना पड़ेगा, अभी खैर हमें ग्राफ से ही करना है। तो ग्राफ अभी तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे बाद में, जस्ट इसके बाद, लेकिन थोड़ा सा देखिए हम बता रहे हैं क्योंकि ग्राफ से ही प्रूव करना है हमें इसे। तो हम इस एक्सिस को जनरली वाई बोलते हैं, और इधर ले लेते हैं वेलोसिटी, और इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, और इधर ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे टाइम जिसकी यूनिट होगी सेकेंड्स। ठीक है, ये एक्सिस हमने अपने मन से सोच लिया। अच्छा, उसकी स्केलिंग भी सेकेंड और मीटर पर सेकेंड में हो गया। नाउ सोचिए एक मोशन के विषय में मैं बताऊंगा, कैन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम हियर पॉइंट ए मूविंग विद इनिशियली यू स्पीड एंड आफ्टर टी टाइम इट इज इट्स स्पीड इंक्रीज्ड एंड रीच्ड अप टू वी। तो सोचिए कि स्पीड अगर बढ़ रही है तो एक्सलेशन का रहा होगा, कुछ ना कुछ रहा होगा, मान लेते हैं कितना, ए। अच्छा, ये होने में, स्पीड को इंक्रीमेंट होने, वेलोसिटी बढ़ने में इसने कुछ तो डिस्टेंस चला होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट चला होगा। हम स्ट्रेट लाइन पे बात कर रहे हैं, लीनियर मोशन है ये, वन डायमेंशनल बात चल रही थी, तो लीनियर मोशन चल रहा है, यू से वी हो गया टी टाइम में, इतने एक्सलेशन से तो इतना डिस्प्लेसमेंट या इतना डिस्टेंस कवर किया गया। ओके, नाउ अब हम इसी मोशन को पूरे ग्राफ में कवर करने कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ग्राफ में देखिए कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ पे टाइम कितना है, 0, यहाँ पे टाइम कितना मान लेते हैं, टी टाइम बाद, तो यहाँ का T2 और यहाँ का T1, तो T1 है 0 टाइम पे, तो इनिशियल स्पीड क्या है, U। यहाँ ये टाइम 0 कहाँ होता है, इस पर, यहाँ पर, और टाइम 0 तो स्पीड 0 है क्या, नहीं, स्पीड ऊपर चलने वाले, तो ऊपर 0 पे तो रहेंगे नहीं, कुछ ना कुछ ऊपर चलना है, कितना चलना है, U। ठीक, ओके, U हो गया। अब V क्या है, V यहाँ चलते 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 यहाँ की स्पीड, तो ये फाइनल स्पीड कहलाती है, कितनी समय बाद हुई थी ये, टी टाइम, या T2 बराबर कितने समय बाद, टी टाइम बाद। तो हम इधर टाइम बिताते बिताते टी टाइम बीत चुका है, तो हमारी स्पीड भी बढ़ बढ़ के कितनी हो गई, वी हो गई। तो ये किस टाइम पे है, टी पे, तो इसको हम मैच कराते हैं, टी टाइम पर कितनी वेलोसिटी, वी, मैच हो गया पॉइंट, और 0 पे कितना था, यू था, 0 कहाँ है, यहीं पर है, और यू कहाँ, यहाँ, तो ये दोनों पॉइंट कहाँ मिलेंगे, यहीं पर, ऐसे मिलाएंगे ना, यू ये और 0 वाली ये लाइन, यहाँ मिल गया, तो इसको हम ऐसे मिला दिए। ये हमारा हो गया ग्राफ, किस मोशन के लिए, पर्टिकुलर इस मोशन के लिए, कि इनिशियल स्पीड यू है, टी टाइम बीतते बीतते इसकी स्पीड बढ़ते 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 कितनी हो गई, वी हो गई। किस
किस एक्सेलरेशन से, मान लेते हैं ए से, और कितना डिस्प्लेसमेंट चला है, यस चला है। अब अगर ये हो गया तो आपको ग्राफ से इसको निकालने के लिए पूछ ले, ए को निकालने के लिए पूछ ले, तो कैसे करेंगे आप, ये ग्राफ है। तो चलिए पहला मोशन इक्वेशन प्रूव करने चल रहे हैं। फर्स्ट एक्सेलरेशन अगर हमें पूछ लिया जाए तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या वेलोसिटी फाइनल, फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। हमने कहा था ना चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन इंटरवल टाइम कर सकते हैं हम लोग। तो फाइनल स्पीड कितना हो चुका है वी, इनिशियल स्पीड कितना था यू, आप यहाँ भी देख सकते हो वहाँ भी देख सकते हो, ग्राफ को पढ़ना ही इसे सीखना हमें, ठीक है। टी फाइनल टाइम कितना हो चुका है, इधर टाइम बढ़ रहा है तो यहाँ फाइनल होगा, और यहाँ की टाइमिंग क्या है, जीरो है ना, तो फाइनल टाइम टी इनिशियल जीरो। तो इसको हम अगर सही से देखें तो क्या हो जाएगा, वी माइनस यू बाई टी इक्वल्स टू क्या है ए, इसको रेसिप्रोक यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, है कि नहीं, और यू को भी उधर भेज दीजिए तो यू माइनस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, वी बराबर क्या लिखेंगे फिर, यू उधर गया प्लस और वहाँ पहले से ए टी है। दिस इज नोन एज मोशन फर्स्ट इक्वेशन, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जहाँ पर यू क्या होगा इनिशियल स्पीड, वी क्या होगा फाइनल स्पीड, ए क्या होगा एक्सलेशन, और टी क्या होगा टाइम, वो टाइम जितने में यू से स्पीड बढ़कर कितनी हो चुकी है, वी हो चुकी है, क्लियर। चलिए मोशन सेकेंड इक्वेशन इसी से कैसे निकालेंगे, तो एक्सलेशन निकाल लिया, मोशन सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अभी हम ग्राफ में ये भी सीखेंगे कि यदि हमारे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दी गिवन हो और हमसे पूछ लिया जाए डिस्प्लेसमेंट, तो हम कैसे निकालेंगे ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, यस मान लीजिए इसको, ठीक, और किसका ग्राफ दिया है वी और टी का, तो वी और टी का मल्टीप्लाई करके देखिए क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगा, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, हमें यही पूछ रहा है और इन दोनों का ग्राफ देकर। तो जब दोनों का ग्राफ दिया हो और इन दोनों का प्रोडक्ट ये मिल रहा हो और यही पूछ ले आपसे, तो आप क्या करिए सिंपली एरिया निकाल लीजिए, किसका एरिया ऑफ वी टी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वी टी का एरिया निकालना है। तो यहाँ देखिए ग्राफ ये है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसको कवर कर लीजिए पूरा, ये जो हैच किया हुआ पार्ट है शेडेड, इसी का एरिया निकालना। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, तो आप दिख रहा होगा आपको ये एक तरह का क्या है ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम में ये पैरेलल साइड्स दो हैं, इनके बीच की हाइट ये होगी, तो एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का, 1/2 पैरेलल साइड्स का सम, तो ये देखिए इतनी हाइट कितनी है u, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है u v, तो u प्लस v पैरेलल साइड्स का सम हो गया इनका इनका, फिर दूसरा क्या था मल्टीप्लाइड इनके बीच की हाइट का, तो हाइट कितना हो जाएगा ये वाला, और ये कितना है जीरो से t कितना हो जाएगा t ना, t से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया सिंपली 1/2 यू प्लस, पहला इक्वेशन कितना आया था वी बराबर आया था यू प्लस ए टी, तो ये पुट कर लीजिए तो यू प्लस ए टी और बाहर टी हो जाएगा, तो u और u कितना हो जाएगा 2u और at और t बाहर, इस t को अंदर ले जाइए 1/2 t अंदर जाएगा कितना हो जाएगा 2ut प्लस at स्क्वायर, देखिए 2ut at स्क्वायर और बाहर 1/2 है तो 1/2 को भी अंदर ले जाइए, तो 1/2 जाएगा तो देखिए यहाँ का 2 कट जाएगा कितना हो जाएगा ut, और यहाँ जाएगा तो यहाँ तो कोई है नहीं तो कटेगा है नहीं तो कितना बचेगा ए टी स्क्वायर, क्या हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एस स्क्वायर टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेयर नॉन वैल्यूज सब पता हमें, यू क्या है इनिशियल स्पीड, टी टाइम है, ए एक्सलेशन है, टी टाइम है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यस हो गया। तो आपको ग्राफ से अगर पूछेगा तो आप क्या करिएगा, इतनी कहानी करने से अच्छा है क्या निकाल लीजिए सिंपली एरिया, उसकी वैल्यूज दी रहेगा 2, 3, 4 कुछ भी दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग एरिया आप निकाल लीजिए आंसर आ जाएगा, क्लियर। ओके नेक्स्ट तीसरा थर्ड इक्वेशन में आप देखिए, अगर हम आपसे बात करें कि इस ग्राफ को देखकर आप एवरेज स्पीड निकाल लो, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, यहां से स्पीड की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा, है ना, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम या एवरेज वेलोसिटी, इसको लिखेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कर लेंगे इसको, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है एस, तो ऊपर हो गया एस, नीचे टोटल टाइम कितना लिया है टी, और एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, शुरू में कितना है यू, बाद में कितना है वी अपॉन टू
ये एवरेज स्पीड निकालने का तरीका होता है, मैंने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया था, लेकिन वहाँ पे केसेस अलग थे इसलिए 2v1v2 बाई u1 + u2 आया था। इसमें तरीका क्या है, इनिशियल दिया है, फाइनल दिया है, इनिशियल स्पीड दिया है u और फाइनल स्पीड दिया है, तो जब ऐसे केसेस हो तो आप सिंपली उनको जोड़िए, 2 से डिवाइड कीजिए आंसर एवरेज का। तो यहाँ पे हो गया u+v/2 इक्वल्स टू s/t। तो देखिए ये जो पहला इक्वेशन था बड़ा काम का होता है, v इक्वल्स टू u+at था, यहाँ से t की वैल्यू डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, t चाहिए तो u को उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा v-u, और a इसके साथ मल्टीप्लाई तो उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो t की जगह हम क्या लिख सकते हैं v-u/a, तो ये a चला जाएगा ऊपर, तो देखिए क्या हो जाएगा u+v/2 जो था यहाँ वाला यहाँ भेज दीजिए, तो 2 एस पहले से था, ए भी आ जाएगा तो ए, और नीचे क्या हो जाएगा v-u, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये वहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए v-u और पहले यहाँ कौन है v+u है, हमने इसको थोड़ा सा पलट लिया, v को आगे u को पीछे कर लिया, इसको एस टू क्या हो जाएगा 2as। ठीक है, ये देखिए क्या दिख रहा है, a-b a+b क्या होता है फॉर्मूला, a²-b² = 2as पहले से, यू स्क्वायर को उधर भेजिए तो v²= u² प्लस में जाएगा +2as पहले से। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब ये तीन इक्वेशन होते हैं जिस पे हमारे क्वेश्चंस आते हैं 9th में। एक और इक्वेशन होता है फोर्थ इक्वेशन कहते हैं हम लोग, वो आप क्लास 11th की एक वीडियो मैंने बना रखी है मोशन इक्वेशन में, उसमें आप देख सकते हैं, खैर वो 9th में नहीं आता इसलिए हम उसको नहीं बता रहे यहाँ पर, बट अगर देखना चाहते हैं तो आप 11th की वीडियो देख सकते हैं मोशन इक्वेशन में, उसमें ये भी कराया गया है और फोर्थ इक्वेशन भी कराया गया है। चलिए अच्छा इक्वेशंस की कहानी हो गई हमारे पास कि हम ऐसे इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं, और ये हमारे क्लास में एग्ज़ाम जब होते हैं स्कूल में तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक तो कंफर्म पूछा जाता है कोई ना कोई इक्वेशन, पहला दूसरा तीसरा वट एवर जो वो पूछ सकते हैं डिराइव करने के लिए ग्राफ से, तो ग्राफ हमें ये बनाना ही पड़ेगा, चाहे जिस इक्वेशन को आप प्रूव कीजिए, तीनों करना है तो तब तो बनेगा ही बनेगा, किसी एक को करना है तब भी ग्राफ आप बनाएंगे, क्लियर। ओके चलिए अच्छा ग्राफ की कहानी हो गई, सॉरी काइनेमेटिक्स हो गया, कहते हैं इसको हम लोग काइनेमेटिक्स इक्वेशन कहते हैं हम लोग इसको। अब इक्वेशन की बात करते हैं हम लोग कि अगर यही इक्वेशन रिटार्डेशन के लिए किया जाए, तो आपको ये नया वर्ड जैसे मिला है रिटार्डेशन, हम तो अभी एक्सलेशन सुन रहे थे, एक्सलरेशन का रिवर्स, मतलब अगर स्पीड बढ़ रही है एक्सलेशन और स्पीड घटी जैसे ब्रेक मारते हैं हम लोग, तो उसमें क्या हो जाएगा रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन क्या होता है माइनस ऑफ ए, नेगेटिव ऑफ एक्सलरेशन, जब स्पीड क्या हो रही हो घट रही हो डिक्रीज हो रहा हो तो उसमें रिटार्डेशन आ रहता है। तो सारे इक्वेशन जो पहला था v=u+at v s=ut+ ½at² एंड v²= u²+2as, ये तीनों इक्वेशन थे। अब जैसे मैं कह रहा था कि रिटार्डेशन अगर होंगे एक्सलेशन की जगह तो क्या होगा, तो यही तीनों इक्वेशन जो प्लस है वहाँ पे ए की जगह क्या लिखना है माइनस है, तो ये सब क्या हो जाएगा माइनस ऑफ v²=u-at ut-½at² v²-2as। ठीक, ये हो गया कब के लिए, रिटार्डेशन के लिए। अच्छा रिटार्डेशन मोशन हो गया, निगेटिव एक्सलेशन भी इसको कहा जाता है कभी कभी क्वेश्चंस में घुमाकर। अगर मान लीजिए कि यही सारी कहानी किसके लिए कहा जाए, फ्री फॉल के लिए, तो फ्री फॉल मोशन की बात करते हैं हम लोग, नया एक चीज़ मिल गया, फ्री फॉल को बोलते हैं हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी इज टर्म्ड एज फ्री फॉल। जैसे हम इस पेन को बस पकड़े और छोड़ दें तो ये नीचे क्यों जा रहा है, हमने तो फेंका है नहीं, तो अपने आप जा रहा है क्योंकि ग्रेविटी इसको क्या करती है अपनी तरफ पुल करती है, तो ये जब जा रहा है ग्रेविटी की वजह से तो उस समय जो मोशन ऑकर होता है उसे हम क्या कहते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल कहते हैं। फ्री फॉल में हम लोग जो इनिशियल स्पीड होती है यू वो क्या देते हैं जीरो, सिर्फ ड्रॉप करते हैं छोड़ देते हैं रिलीज कर देते हैं हम लोग, फेंकते नहीं हैं। तो इस केस में क्या होगा, क्वेश्चंस पूछेंगे डिस्टेंस बताओ हाइट बताओ, खैर डिस्टेंस नहीं होता हाइट होने लगता है वहाँ पे, क्योंकि वर्टिकल में क्या होता है ये फ्री फॉल वर्टिकल में होता है, जिसे हम वर्टिकल मोशन कहते हैं, वर्टिकल फ्री फॉल मोशन, ऐसे छोड़ा तो नीचे जाएगा, तो ये हाइट की बात हो जाती है, तो डिस्टेंस जहाँ है डिस्प्लेसमेंट ये यहाँ पे एच लिख देंगे
ठीक। दूसरी चीज़, जब फ्री फॉल होता है तो इसको फेंका है नहीं, एक्सीलरेशन होगा नहीं, फिर भी जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से एक्सीलरेशन आया होगा। तो वो कौन देता है? ग्रेविटी। कितना देता है? तो ए की जगह वो देते हैं जी, और ये फिक्स होता है कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये ग्रेविटी में आप एक बार पढ़ोगे। और लगभग लगभग सिंपल क्वेश्चंस करने के लिए जी की वैल्यू कितनी ली जाती है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ए टी की जगह जी टी, ए टी की जगह ए टी स्क्वायर की जगह जी टी स्क्वायर, और यहाँ पे 2 AS की जगह 2GH। ठीक है, तो हाइट हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और जी क्या सॉरी एक्सेलरेशन किस में बदल जाएगा? जी में बदल जाएगा। यहाँ पे जी फिक्स हो गया, डन है। ओके, ये कब माइनस होगा कि प्लस होगा? अगर नीचे गिर रहा है तो सोचिए कि स्पीड बढ़ रहा है। फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड से ज़्यादा तब होगा जब क्या होगा? प्लस होगा। तो नीचे गिर रहा है तो सब जगह प्लस, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी भी नीचे, एक्सेलरेशन जी और वेलोसिटी भी नीचे, तो जब दोनों एक तरफ हैं तो एक्सेलरेशन होगा कि रिटार्डेशन? देखिए वेलोसिटी भी नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे, तो दोनों सेम साइड, तो क्या होगा? ऐड होगा ना, इसलिए प्लस। और अगर हम इसको ऊपर थ्रो करते हैं तो देखिए ऊपर जाते 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 कहीं रुकेगा, फिर वापस आता है। तो अप साइड जाते समय इसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होती, घटती है। तो स्पीड तो ऊपर हो गई, फेंका मैंने वेलोसिटी, लेकिन ग्रेविटी अभी भी नीचे काम कर रहा है। तो इस केस में यही सब क्या हो जाएगा? सेम इक्वेशंस, बट क्या लग जाएगा? माइनस। तो माइनस कब लगता है? जब वेलोसिटी इस तरफ हो तो एक्सेलरेशन इधर हो, मतलब अपोजिट, ये केस। और दोनों की तरफ जब सेम हो, दोनों की डायरेक्शन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो यहाँ क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। ठीक है, ये थी हमारी मोशंस की कहानी फ्री फॉल के केस में। हम बात करते हैं अब नेक्स्ट ग्राफ कि ग्राफ के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उसको कैसे करेंगे। ठीक है, खैर परेशान ना रहें, क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स का एक वीडियो अलग से बनेगा इन सब पर, सबके एक एक दो दो क्वेश्चंस रहेंगे। अभी सिर्फ थ्योरी पे ध्यान देते हैं हम लोग, और अगर थ्योरी समझ में आती है, आप न्यूमेरिकल करना चाहते हैं करिए, नहीं आता है तो उसे पूछ सकते हैं। चलिए, अच्छा ग्राफ, ग्राफ के कॉन्सेप्ट्स बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे इसको हम लोग बारी से बारी। ऐसा करते हैं, हमारे पास ग्राफ तीन के बनते हैं। एक तो बनता है पोजीशन का वर्सेस टाइम का, मतलब पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ। तो पोजीशन चेंज होने की चीज़ को हमने क्या बोला था? पोजीशन टाइम के साथ अगर चेंज हो तो दो चीज़ आती है, एक तो डिस्टेंस आता है और दूसरा क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट। तो एक ग्राफ तो इन दोनों का बनेगा, टाइम के साथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। दूसरा बनेगा स्पीड, जितनी तेज ये लोग बदल रहे हैं वो चीज़ स्पीड होता है, और क्या होता है? वेलोसिटी। एक एक ग्राफ इनका टाइम के साथ बनेगा। ठीक, 1 2 3 4, फोर हो चुके हैं, और लास्ट में एक एक्सीलेशन का बनेगा टाइम के साथ। तो हमारे पास 5 टाइप के ग्राफ होने वाले हैं, इनको हम बारी से बारी एकदम फिक्स हैं। 9th में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे ग्राफ के जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं डिस्टेंस का ग्राफ। डिस्टेंस इधर ले लेते हैं और इधर क्या ले लेते हैं? टाइम। ठीक, और इसी के साथ हम लोग ले लेते हैं एक और डिस्प्लेसमेंट का, इधर लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट और इधर लिख लेते हैं टाइम। ठीक है, चलिए देखिए, क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है? नहीं, तो ये ग्राफ नीचे तो नहीं जाने वाला। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है? यस, तो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। देखिए डिस्टेंस के हम मान लीजिए बोल दें कि वो ऐसे चल रहा है, ऐसा ग्राफ, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो इसका ये मतलब है कि आप इधर चल तो रहे हो, टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या ऊपर नीचे जा रहे हो कि सीधे चलते चले जा रहे हो? सीधा। इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ या घट रहा है? नहीं। और डिस्टेंस बढ़ घट नहीं रहा है, इसका मतलब कि आप क्या हो? रेस्ट पर हो। समझ में आई बात? अरे सिंपल सी बात है, अगर हम कह दें जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ ए है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ बी है, इसने इसको देखा तो इससे इसकी दूरी थी 1 मीटर, 2 घंटे बाद देखा यहीं पर, 3 घंटे बाद देखा यहीं पर, तो इसके बीच की दूरी क्या होगी? फिक्स है, लेकिन टाइम बीत रहा है। तो टाइम तो आगे चल रहा है, लेकिन ये जो लाइन है डिस्प्लेसमेंट वाली, डिस्टेंस वाली सॉरी, ये ऊपर नीचे जा रही है ऐसे या नीचे आ रही है? नहीं, सीधे चल रही है। तो इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर। ए यहाँ पर है इस लाइन पर चल रहा है, और बी किस लाइन पर चल रहा है? इस लाइन पर। तो इनके बीच की दूरी हमेशा कितनी है? देखिए 1 1 1 1। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ए कहेगा कि बी क्या है? रुका है, या बी कहेगा ए को कि ए रुका है। क्लियर? तो जब भी डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ देखा, सीधा ग्राफ ऐसे बना दिया जाए, इसको हम कहते हैं मोशन क्या है? नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। दूसरी चीज, अगर यही डिस्टेंस का ग्राफ दे देता टाइम के साथ और ऐसा देता ऊपर की तरफ, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस बढ़ रहा है। कैसे पता चला? तो आप टाइम बिताइए, 0 से 1 सेकंड चलिए, देखिए यहाँ पहुँच गए आप, तो मोशन हो गया मान लीजिए 2 मीटर का। फिर आप 1 सेकंड और बिताइए, 2 सेकंड बीत गए, इधर टाइम चलेगा और ऊपर क्या चलेगा? डिस्टेंस। आप ग्राफ को फिर टच कीजिए, देखिए यहाँ मिलेंगे 4 मीटर। तो आपको दिख रहा है कि 1 सेकंड पे आप कितना मीटर हो? 2 मीटर। जैसे 2 सेकंड बीत रहे आप कितने चले गए? 4 मीटर। आप 3 सेकंड पे कहाँ चले गए? यहाँ पे। तो डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है। अच्छा, ये मोशन में क्या चीज़ है? कॉन्स्टेंट। स्पीड क्या होगी? तो इसके रिगार्डिंग हम स्पीड की बात करेंगे। सोचिए 1 सेकंड में कितना मीटर? 2। नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना? 4। लेकिन चला कितना? सिर्फ 2 ही ना, तो हर 1 सेकंड में कितना चल रहा है? 2 2। 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर एक नेक्स्ट सेकंड में यहाँ पे मान लीजिए 6 मीटर दिया, तो फिर 2 मीटर। तो हर एक नए सेकंड में वो सेम डिस्टेंस चल रहा है। ऐसे में वेलोसिटी या सॉरी स्पीड की बात कर ले, तो स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। मतलब ऐसा होगा कि वो हर 1 सेकंड में 2 मीटर चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड फिक्स है। ऐसे बना सकते हैं हम। तो डिस्टेंस का ये हो गया, डिस्टेंस अगर फिक्स चल रहा है, कांस्टेंट रेस्ट पर बढ़ रहा है, इसका मतलब मोशन में है, और उसमें स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर? अच्छा, एक और हो सकता है, ऐसा भी ग्राफ हो सकता है आपको मिलेगा कि डिस्टेंस का टाइम के साथ ग्राफ कुछ ऐसा मिल जाए। तो क्या होगा? तो अगर ऐसा मिल जाएगा कि हाँ ऐसे हो रहा है, तो देखिए ध्यान से इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा अच्छा बनाता हूँ, यहीं कर लेते हैं, डिस्टेंस बाद में, डिस्प्लेसमेंट बाद में करेंगे। डिस्टेंस का मान लीजिए ग्राफ है ऐसा कुछ। एक तो हो गया रेस्ट का, ये हो गया स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डिस्टेंस बढ़ रहा है। इसमें देखिए तो 1 सेकंड मान लीजिए ये है ग्राफ, यहाँ कट हुआ, ग्राफ को कट कीजिए बस, सेकंड पे जाके कट हुआ, मान लीजिए ये दूरी कितना है? 1 मीटर। इधर डिस्टेंस है मीटर में, इधर टाइम है सेकेंड्स में। नेक्स्ट 1 सेकेंड बाद क्या लगता है? ये 1 होगा? नहीं, ये ज़्यादा लग रहा है, तो मान लीजिए 3 हो गया 2 सेकेंड पर। फिर इतने ही टाइम पे और ले लीजिए, क्या लगता है? ये 1 है, ये कितना हो गया? फिर 2 हुआ ना, देखिए 1 और 3 है तो कितना होगा? 2। और ये मान लीजिए कि हो जा रहा है 7, तो ये गैप कितना हुआ? 4 का। यहाँ तक क्या दिख रहा है आपको? पहले 1 सेकंड में कितना मीटर चला? वो मीटर में 1। नेक्स्ट 1 सेकंड बीता है, 1 से 2 कितना सेकंड बीता है? 1। 1 सेकंड में वो कितना चला? 2 मीटर। फिर अगले 1 सेकंड में कितना चला? 4 मीटर। तो इसकी डिस्टेंस हर 1 सेकंड क्या हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही, इसका मतलब स्पीड क्या रहा होगा? बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा या फिक्स रहा होगा? बढ़ रहा होगा। तो ये मोशन में क्या बता रहा है? डिस्टेंस बढ़ तो रहा है, यहाँ भी बढ़ा रहा था डिस्टेंस, मोशन हो रहा है, लेकिन क्या स्पीड जैसे पिछली बार कांस्टेंट था, यहाँ कांस्टेंट होगा? नहीं, यहाँ कांस्टेंट नहीं होगा, बढ़ेगा स्पीड। तो जब भी हमें डिस्टेंस का ये मिलेगा, हम बोलेंगे रेस्ट, यहाँ बोलेंगे डिस्टेंस बढ़ रहा है, स्पीड कांस्टेंट, और ऐसा डिस्टेंस का मिलेगा तो क्या बोलेंगे? स्पीड बढ़ रहा है। क्लियर है? चलिए, ये थोड़ी थी डिस्टेंस की। डिस्प्लेसमेंट में आपको कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ कट के हम करके लिख दें डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट अगर आप ऊपर भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट बोला था ना, पॉजिटिव नेगेटिव और 0 सब हो सकता है, तो नीचे भी जा सकता है। नीचे का मतलब ये है, अच्छा ऊपर का मतलब ये कि ए के राइट साइड में बी है 1 मीटर पर, चलो अच्छी बात। अगर बी यहीं पे इसके पास होता तो कितना बोलता ये ए वाला कि हमसे 0 मीटर पर है। देखिए ये 0 लाइन होती है, ऊपर डिस्टेंस प्लस में जाती है, नीचे डिस्प्लेसमेंट माइनस में जाती है। अब ये हो सकता है बी यहाँ से उठकर यहाँ चला है 1 मीटर, अब ये देखेगा लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड को ये क्या बोलेगा? माइनस में। तो अब कितना लिखेगा? ये -1 मीटर, टाइम इधर चल रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर आता है तो समझिए कि ग्राफ ऊपर नीचे दोनों हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस होता तो सिर्फ अप साइड होता है। इवन डिस्टेंस के केस में बी इधर चला जाता, तब भी हम डिस्टेंस का यही बनाते, ये नहीं बनाते, याद रखेंगे इस बात को। चलिए नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट में नेक्स्ट वाला अगर ऐसा दे दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ऐसा वाला, तो क्या बोलेंगे? तो इसमें दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस था तो स्पीड लिखा था, डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट ही है अभी भी, वही चीज सेम। इसमें डिस्प्लेसमेंट लिख देते तो डिस्टेंस की जगह हटाकर, तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा, तो स्पीड की जगह क्या बोलेंगे आप? वेलोसिटी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ ग्राफ नीचे भी जा सकता है, ऐसा भी होगा, लेकिन नीचे अगर जाएगा तो क्या डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है? जी हाँ, डिस्प्लेसमेंट अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर प्लस है तो नीचे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? माइनस में। तो डिस्प्लेसमेंट अभी भी बढ़ रहा है किस तरफ? नेगेटिव साइड में। मतलब ये ग्राफ बताएंगे तो बोलेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट इससे राइट साइड में जा रहा है, और अगर ये ग्राफ है तो इससे किधर जा रहा है? लेफ्ट साइड में, लेकिन जा दोनों किधर रहे हैं?
मतलब इससे दूर ही जा रहे हैं। देखिए ग्राफ ऊपर जा रहा है तो प्लस में डिस्प्लेसमेंट, नीचे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किस में हो जाएगा, नेगेटिव में। लेकिन ये लाइन से तो दूर जा रहा है ना ऊपर, देखिए इससे दूर चले गए, इसी लाइन से नीचे भी दूर जा रहा है, तो डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, किसी में माइनस किसी में प्लस। लेकिन अगर यही ग्राफ बोल देता कि ये डिस्टेंस का है तो क्या मानते, कभी नहीं मानते, नीचे वाला कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता। इस वाले में वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है किधर, तो अगर हम इस तरफ की वेलोसिटी को प्लस लें तो इधर की वेलोसिटी क्या लेना पड़ेगा, माइनस। तो हम बोलेंगे ये ग्राफ इस तरफ है राइट साइड में, तो ये ग्राफ किस तरफ है, लेफ्ट साइड के लिए। दोनों केस में लेकिन स्पीड बढ़ रही है, सॉरी वेलोसिटी बोलेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये थी कहानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। इससे अलावा कभी नहीं पूछेगा आपसे, बस इन्हीं तीन में से ग्राफ में से एक आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्पीड की, कि स्पीड का ग्राफ कैसा हो सकता है और वेलोसिटी का ग्राफ कैसा हो सकता है। तो याद रखें कि स्पीड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्या स्केलर, स्केलर, एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर। तो वेलोसिटी अगेन प्लस माइनस दोनों हो सकता है। तो हम पहले बात करते हैं स्पीड की, स्पीड वर्सेस टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम, और लास्ट स्पीड वर्सेस टाइम। सिर्फ प्लस में इसका ग्राफ बनेगा, निगेटिव नहीं जाने वाला है, डन। चलिए देखिए, मान लीजिए ऐसा दे देता, पहला है स्पीड ऐसा, कहाँ पे है, जीरो पर है, तो स्पीड जीरो है कि कुछ है, जीरो है। देखिए इस तरफ तो टाइम बढ़ रहा है लेकिन क्या स्पीड ऊपर नीचे जा रहा है, नहीं, जीरो वाली लाइन पे है। तो बोलेंगे स्पीड इज टू जीरो, और स्पीड जीरो तो क्या है, रेस्ट पर है ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात है। और ये देखकर अगर आपसे डिस्टेंस का पूछता तो क्या करते हैं आप, बना के छोड़ देते हैं, इसका मतलब बताया था ना रेस्ट होता है। तो ये दोनों ग्राफ क्या है, सेम है, ये स्पीड वर्सेस टाइम है और ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम है। क्लियर हुआ, चलिए। तो ये रिलेशन आता है, एक का देखकर दूसरा पूछा जाता है, लास्ट तक आप सीख जाएंगे। तो इसमें हो गया स्पीड जीरो, दूसरा हो सकता है कि ऐसा, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि वन है, ये स्पीड किस में नापा जाता है, मीटर पर सेकेंड में, तो तीनों में ये रहेगा मीटर पर सेकेंड, और टाइम किस में रहेगा, सेकेंड्स में। इसका क्या मतलब बता रहा है ये, इसका मतलब ये हो रहा है कि टाइम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन ग्राफ ऊपर या नीचे जा रहा है, नहीं सीधा। तो हर समय स्पीड कितनी है, वन 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 वन, चाहे जितने टाइम तक चले जाइए। तो ऐसे में स्पीड क्या बोला जाएगा, कांस्टेंट। और आपको याद होगा यहाँ जो ग्राफ बना था कि स्पीड कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस का ग्राफ कैसा बनाया था मैंने, कैसा था, ऐसा था ना कि नहीं। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ ये बन जाएगा, ये देकर ये पूछे या ये देकर ये पूछे, आप बना सकते हो आराम से। ओके लास्ट क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इंक्रीजिंग साइन है। तो सिंपली अब तक तो ये समझ गया कि टाइम के साथ स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन पता कैसे चलेगा। तो आप वन कर लीजिए, वन कर लीजिए, यहाँ टू सेकेंड कर लीजिए, यहाँ टू कर लीजिए, तो क्या दिख रहा है कि जैसे एक सेकेंड में स्पीड कितनी थी, वन, नेक्स्ट वन सेकेंड, यहाँ से यहाँ दो सेकेंड बीता तो स्पीड कितनी हो गई, टू हुआ कि नहीं हुआ। देखिए इसके साथ इसको हमने मिलाकर यहाँ बनाया, तो टू सेकेंड पे 2 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड पे 3 मीटर पर सेकेंड, तब तो ये पॉइंट्स मिलाकर ग्राफ बना होगा। तो इसमें दिख रहा है कि स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा होगा तो डिस्टेंस का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा है कि नहीं। ओके ये हो गया। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी का, चलिए वेलोसिटी टाइम का, वेलोसिटी टाइम का, एंड लास्ट वेलोसिटी टाइम का। अब सोचिए पहले को, अगर स्पीड जीरो है तो ऐसा दिखाता है तो इस वेलोसिटी भी तो जीरो हो सकती है, ये हो गया सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों जीरो है तो रेस्ट में बोला जाएगा, बॉडी क्या है, रेस्ट पर। इसमें आइए, स्पीड सिर्फ प्लस होता है लेकिन वेलोसिटी प्लस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है जो कि हो चुका है, और माइनस भी हो सकता है। माइनस का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी का डायरेक्शन, लेफ्ट से राइट जाना या राइट से लेफ्ट जाना, एक दिशा को आप प्लस मानोगे, आप क्या करें कि राइट साइड को, आपके लिए ये राइट हो रहा है और ये लेफ्ट हो रहा है, तो जो चीज़ राइट में जा रही है उसको प्लस ले लीजिए, जो चीज़ लेफ्ट जा रहा है तो उसको माइनस। ये अपने से एज्यूम करना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में मार्क मेंशन किया है तब तो हम सोचेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं, इधर को प्लस ले रहे हैं या इधर को प्लस ले रहे हैं। अगर नहीं दिए तो आप हमेशा राइट को क्या लीजिए, प्लस लीजिए, ठीक। ओके ये हो गया प्लस माइनस, प्लस जीरो और नेगेटिव, तो वेलोसिटी माइनस में भी हो सकती है। लास्ट स्पीड बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ सकती है, नॉर्मल सी बात है, निगेटिव में बढ़ सकती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव में वेलोसिटी बढ़ रहा है, यहाँ निगेटिव में वेलोसिटी बढ़ रहा है। निगेटिव में वेलोसिटी बढ़ने का मतलब
सिर्फ डायरेक्शन उधर है, स्पीड अभी भी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, स्पीड इधर बढ़ रही है, ठीक। तो ये वेलोसिटी इंक्रीजिंग और ये वेलोसिटी डिक्रीजिंग, ठीक है। आइए, मतलब डिक्रीजिंग नहीं, निगेटिव इंक्रीजिंग है, ऐसा नहीं कि डिक्रीज हो रहा है। देखिए, एक चीज़ तो आपको पता होगा, अगर मैथ की बात हम करें थोड़ा सा, तो बेसिक्स नॉलेज है ये। तो हम इधर वाई एक्सिस लेते हैं, इधर क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस। इस पूरे वाई एक्सिस पे कौन जीरो होता है, एक्स जीरो होता है। कहीं पर भी वाई पे आप मार्क करो, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, कहीं भी जाओ, एक्स क्या होता है, वहाँ जीरो। और इस एक्स पे कौन जीरो होता है, वाई जीरो होता है। यहाँ 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 कहीं भी जाइए, जीरो होता है। तो हमने ग्राफ जो बनाया था इधर की डिस्प्लेसमेंट सॉरी वेलोसिटी अभी लिखा था कि इधर है तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और नीचे है तो घट रहा है। अगर इसी पे है तो इधर वेलोसिटी अगर लिखा है, तो मैंने कहा था ना इधर वाले लोग इस पे जीरो होते हैं, तो देखिए इस पे ग्राफ, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। ये समझने का तरीका होता है, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। मैथ की थोड़ी बातें याद रखें, कार्टेशियन जो बताया गया होगा, मैथ के सर ने बताया होगा, वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा बहुत हेल्प लेगा, मतलब देगा हेल्प आपको। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, ग्राफ की कहानी हो गई। अब करते हैं हम लोग कुछ नोट पॉइंट कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट, ग्राफ से रिलेटेड, न्यूमेरिकल्स में कैसे होता है। तो आपके पास तीन ग्राफ होने वाले हैं, एक तो पोजीशन वर्सेस टाइम होने वाला है, एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम होने वाला, और एक एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड वेलोसिटी हो गया, और यहाँ पे एक्सेलरेशन अकेला हो गया। ये तीन ग्राफ ही होंगे, इनमें दो पार्ट, इसमें दो पार्ट, मतलब स्पीड सॉरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ स्पीड एंड वेलोसिटी, और यहाँ पे एक्सेलरेशन, बट हम इसको तीन ही बोलते हैं। अगर आपको इसका ग्राफ दिया हो, इसका पूछ ले, या इसका दिया हो, इसका पूछ ले, तो क्या करेंगे आप? इसका दिया हो, इसका पूछ ले, इसका दिया हो, इसका पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको मोशन ध्यान देना है, इन तीनों में से किसी एक का देखकर अगर दूसरा पूछ ले तो आप बता सकते हो। और सबसे इजी होता है कि आप इसका पता हो आपको, तो आप ऊपर नीचे दोनों बता सकते हो। कैसे? जैसे मैं बोलूं कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी बढ़ घट नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन सोचिए क्या रहा होगा, जीरो। एक्सेलरेशन बढ़ेगा घटेगा ही नहीं ना, तो अभी एक्सेलरेशन का ग्राफ छूटा था हमारा, वो ये हो गया। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब स्पीड या वेलोसिटी न बढ़ ना घट रही है। दूसरी चीज, अगर वेलोसिटी का बना दी तो अब इसका बनाए, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब कुछ तो है ना वेलोसिटी, तो स्पीड तो लगातार ट्रेवल कर रहा होगा, स्पीड ट्रेवल कर रहा हो तो डिस्टेंस सॉरी स्पीड कह रहा हूँ मैं, अगर उसके पास वेलोसिटी है तो वो टाइम टू टाइम डिस्प्लेसमेंट उसमें होता रहा होगा। तो वो इधर डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बोलूँ और इधर टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ जीरो होता है, यहाँ पे ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, जीरो से दूर जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं, धीरे धीरे स्पीड होगी, वेलोसिटी होगा, तो उसके पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया, तो ये मिला, तो इसको बनाना आसान हो गया, और ये बना सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का ये ग्राफ हो गया, कब, जब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, यस पॉजिटिव हो सकता है। क्या एक्सेलरेशन निगेटिव हो सकता है, यस वो भी हो सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेक्टर है। निगेटिव का मतलब जैसे हम इसको ऊपर फेंकें तो ग्रेविटी किधर काम करे, नीचे, तो वेलोसिटी ऊपर तो एक्सेलरेशन नीचे, तो एक्सेलरेशन को इस बार क्या लिया जाएगा, माइनस। और अगर ऊपर से गिराएं तो अभी भी वेलोसिटी नीचे होगी, तो अगर हम बोले कि वेलोसिटी की डायरेक्शन प्लस है तो एक्सेलरेशन भी क्या लिया जाएगा, उसमें प्लस लिया जाएगा। और हम बोले कि हम वेलोसिटी को ऊपर प्लस ले रहे हैं तो एक्सेलरेशन किधर काम कर रहा है, नीचे, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये वाला बन जाएगा ग्राफ, आप किसी में बना सकते हो। चलिए फ्री फॉल का एक मैं ग्राफ बना के दिखाई देता हूँ, फ्री फॉल में तीनों ग्राफ बनाने मुझे, दिस दिस दिस, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, तीनों ग्राफ, ये तीनों। तो आप करके करिए, पहले सबसे पहले किसका बनाइए, एक्सेलरेशन का बनाइए। इसमें ये होता है, हम मान लेते हैं पहले से ही कि फ्री फॉल में ऊपर की डायरेक्शन को प्लस लिया जाएगा और नीचे को क्या लिया जाएगा, माइनस, ये हमने सोचा है। आप इसका उल्टा भी सोच सकते हो, लेकिन लिखना पड़ेगा, वहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि हम ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो ये कन्वेंशनल, ये जनरली हर जगह ऐसा मान के किया जाता है। ओके, अगर ऊपर को हम प्लस ले, नीचे को माइनस, तो सोचिए ग्रेविटी किधर काम करेगा, अगर हम फ्री फॉल कर रहे हैं, ऐसे छोड़ ड्रॉप कर रहे हैं इसको, तो ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, तो नीचे की डायरेक्शन क्या है, माइनस, तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम में एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, कितना, 9.8, ये फिक्स एकदम, जी फिक्स है। अच्छा, बॉडी गिरते 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 जमीन पे चली गई, तो क्या बीच में कहीं जी बदला होगा, एक्सेलरेशन बदला होगा, नहीं। हम ये मान के चलते हैं कि जब तक बॉडी ड्रॉप नहीं होगी, गिरी नहीं होगी, तब तक एक्सेलरेशन क्या रहा होगा, फिक्स, कितना, 9.8, वो भी किस में, माइनस में, क्योंकि हम ऊपर को क्या लिए, प्लस लिए। ओके, दूसरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम,
अगर एक्सलेशन है निगेटिव है या पॉजिटिव से मतलब नहीं है, अगर है एक्सलेशन इसका मतलब स्पीड क्या हो रही होगी, बढ़ या घट रही होगी। यहाँ पे हम गिरा कर देखें तो शुरू में स्पीड क्या है, जीरो, लेकिन धीरे धीरे नीचे जाते जाते इसकी स्पीड क्या होती रहती है, बढ़ती जाती है। सिंपल सा है। और हमने इसको प्लस क्यों बनाया, अच्छा इसको प्लस क्यों बनाया, प्लस बनेगा कि निगेटिव बनेगा ध्यान दीजिएगा, हमने अगर ऊपर को प्लस लिया है नीचे को माइनस, तो वेलोसिटी किधर जा रही है ड्रॉप होने पर, नीचे। तो ये बना है स्पीड का, क्योंकि स्पीड तो बढ़ेगा और वो भी प्लस में। लेकिन अगर यही लिखा जाता कि ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की बात करिए डायरेक्शन आती है तो नीचे जा रहा है, तो नीचे के लिए क्या लिखा मैंने, माइनस ना, तो ग्राफ नीचे चला जाएगा। ये हो जाएगी वेलोसिटी का, ये हो जाएगा स्पीड का, किस केस में, फ्री फॉल में। डन। चलिए लास्ट हो गया हमारे, लास्ट अब कैसे बात करें, देखिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, पहले डिस्टेंस का कर लेते हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस बढ़ रहा होगा घट रहा होगा, तो अगर हम यहाँ से ड्रॉप करें तो ये हमसे दूर जा रहा है ना नीचे, तो डिस्टेंस हमसे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सीधे बढ़ा है नहीं, क्यों, क्योंकि स्पीड बढ़ते हुए पर हमने कर्व जो बनाया था वो कैसा कर्व बना था, ऐसा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर बोला जाता कि नहीं डिस्टेंस मत बनाइए डिस्प्लेसमेंट बनाइए, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमसे अभी नीचे जा रहा तो हमसे दूर जा रहा है, लेकिन नीचे वाली को क्या लेना है, माइनस, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऐसा। तो ये भाई साहब हो गया डिस्प्लेसमेंट का, और ये हो गया डिस्टेंस का, सिंपल सा। लेकिन कब, जब ये प्लस और ये क्या लिया गया, वो माइनस, किसी ने कर दिया कि हमने प्लस ले लिया ये माइनस, अब बताइए कैसा ग्राफ। तो बस कुछ नहीं करना, नीचे को प्लस तो एक्सेलरेशन नीचे ही लगता है हमेशा, तो प्लस बना लीजिए, कितना 9.8 प्लस, और नीचे ऑब्जेक्ट जा रहा तो स्पीड तो अभी बढ़ेगी, कंफर्म है, नीचे की तरफ जा रही तो प्लस में है, और स्पीड वैसे भी प्लस होती है, वेलोसिटी नीचे होगी नहीं, क्यों, क्योंकि नीचे जाने वाले को हम प्लस ले रहे हैं, तो इस बार वेलोसिटी कहाँ जाएगी, प्लस। तो यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड की सेम ग्राफ हो गया, नीचे को अगर प्लस ले तो नीचे हमसे दूर जा रहा है, तो डिस्टेंस प्लस में, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता था पहले, लेकिन अब नीचे वाले को माइनस नहीं ले रहे हैं प्लस ले रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये डिस्प्लेसमेंट का भी ग्राफ हो गया, हो गया सिंपल। तो आप प्लस माइनस दोनों को लेकर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्राफ का कॉन्सेप्ट। एक छोटी सी बात और बतानी थी, आप इसको न्यूमेरिकल में अच्छे समझ लेंगे, बस अभी इसको देख के लिख लीजिए या इसको याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए बस, कि अगर हमारे पास एरिया निकाला हमने, एरिया ऑफ ग्राफ किसका, वी टी का, तो ये देगा हमें डिस्टेंस, अगर ये स्पीड टाइम है तो डिस्टेंस देगा, वेलोसिटी टाइम है तो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। हमेशा याद रखिए डिस्टेंस स्पीड के साथ होता है और डिस्प्लेसमेंट किसके साथ होता है, वेलोसिटी के साथ। और एरिया का ये हुआ वैल्यू, और एरिया ऑफ ए टी निकाल लें तो क्या मिलेगा, वो मिलेगा वेलोसिटी या स्पीड। ये दोनों चीज़ याद रखिए, अगर हमने एरिया निकाला इसका तो ये दोनों में से मिलेगा, और एरिया इसका निकाला तो ये दोनों में से मिलेगा, ठीक। अगर हमने डायरेक्शन लिया तब तो डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा है, और डायरेक्शन नहीं लिया तो क्या निकाल रहा है, डिस्टेंस निकाल रहा है। खैर न्यूमेरिकल में आपको समझ में आ जाएगा। और एक छोटी सी लास्ट बात, एक नाम आएगा स्लोप। स्लोप बेसिकली होता है, जैसे मैं ये ग्राफ बना के आपको बता रहा हूँ, ये मान लीजिए कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, ये मतलब तो पोजिशन और टाइम का ग्राफ है, ऐसे दिया है, और आपको यही देखकर किसका ग्राफ दिया है, एक्स और टी का, पूछ ले वी बताइए वेलोसिटी, तो आप क्या करिए, बस स्लोप निकालिए। स्लोप का बेसिक मतलब होता है आप इसको ट्रायंगल बनाइए, ये जो हाइट है एच और जो ये बेस है, इन्हीं दोनों का रेशियो ले लीजिए एच बाई बी, सिंपली स्लोप आ जाएगा। और स्लोप एक्स और टी का स्लोप क्या मिलता है, वी देता है, और वी और टी का स्लोप क्या देता है, एक्सलेशन देता है। बस ये चार बातें आप याद रख लीजिए, न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा वहाँ पर कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा ग्राफ का ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। एक छोटी सी अंतिम बात सर्कुलर मोशन पर, वीडियो ऐसे लंबा हो जा रहा है बहुत ज़्यादा, चलिए अच्छा लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, सर्कुलर मोशन। बेसिक बेसिक बातें हम बता दें इसमें, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन मतलब एक ऐसे ऑब्जेक्ट का मोशन जो किस ट्रैक पे काम कर रहा हो, किस ट्रैक पे घूम रहा हो, सर्कल वाले पर, मतलब एक ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट सर्कल ट्रैक पे घूम रहा, ट्रेजेक्ट्री उसका कैसा हो, सर्कल, तो उसको हम कैसा बोलेंगे, सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो उसकी एक अपनी खुद की क्या होगी, पाथ का रेडियस, और ये जो आदमी भाग रहा है, जो ऑब्जेक्ट भाग रहा है, इसमें किधर भागना चाह रहा होगा, ऐसे, इसमें किधर भागना चाह रहा होगा, ऐसे, टेंजेंट खींचकर,
ग्राफ कर्व पे हम क्या बता देते हैं, उस समय का वेलोसिटी। तो यहाँ की वेलोसिटी इधर, यहाँ की वेलोसिटी इधर, यहाँ पूछते तो टेंजेंट खींचते, यहाँ यहाँ खींच पूछते तो यहाँ, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही कि सेम है? देखिए हर जगह बदल रही ना, पहले इधर नीचे जाना चाह रहा है, फिर यहाँ ऊपर जाना चाह रहा है, फिर यहाँ इधर जाना चाह रहा है, फिर यहाँ इधर जाना चाह रहा है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेलोसिटी डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और वेलोसिटी वैसे भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। अगर वेक्टर में से एक भी बदल जाए क्या, डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड, तो अगर डायरेक्शन बदल रहा है जो कि दिख रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। देखिए बात हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर, वेक्टर में दो चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड न्यूमेरिक वैल्यू जिसे कहते हैं, और साथ में डायरेक्शन। अगर इनमें से कोई भी एक बदला, क्योंकि इन्हीं दोनों से तो बेचारा बन रहा है, और इनमें से एक भी बदल गया तो मतलब ये बदल रहा है। और वेलोसिटी के बदलने को, चेंज को हम लोग कहते हैं कि एक्सीलरेशन होता है, मतलब सर्कल मोशन में एक्सीलरेशन फिक्स है, होगा ही होगा। तो यहाँ पे दो तरह के एक्सीलरेशन होते हैं, एक तो होता है, कितने एक्सीलरेशन होते हैं सर्कल में, दो। पहला होता है सेंट्रीपिटल, स्पेलिंग की बात कर लें, देखिए सही से, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर की तरफ, ऐसा नाम से भी लग रहा है। तो जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है सर्कल पे, तो इस समय पहुँचा, तो इस पर पूछा जाए टेंजेंट सर्कल, सॉरी एक्सेलरेशन होता है किधर है, तो सेंटर की तरफ एक लाइन बनाइए, इधर लिख दीजिए एक्सेलरेशन, वो भी कौन सा, सेंट्रीपिटल ए सी। डायरेक्शन किधर है, सेंटर की तरफ, दैट्स वाई इसका नाम क्या पड़ जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये हमेशा होगा, सर्कल मोशन है मतलब ये रहेगा रहेगा, फिक्स है। और इसकी वैल्यू कितना लिखेंगे आप, तो इस जगह की स्पीड वी, इसका स्क्वायर और रेडियस से डिवाइड कर लीजिए, वी स्क्वायर बाई आर। कैसे कहाँ से आया ये मतलब अभी नहीं जानना हमें, 11th में ये पढ़ना होता है, अभी बस रिजल्ट याद रखना होता है हमें, क्योंकि कभी डेरिवेशन नहीं पूछेगा हमें, पूछेगा भी तो क्या पूछेगा, वैल्यू, ओनली वैल्यू। अच्छा ये सर्कल पे घूम रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज तो एक्सेलरेशन आना फिक्स है। लेकिन अगर ऐसा हम कहें कि हमारे जो घर में फैन चलता तो लगातार सेम चलता है कॉन्स्टेंट स्पीड से, तो एक्सेलरेशन कैसे आया, तो स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, मॉड। तो स्पीड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है ना, मैंने डायरेक्शन की बात की है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और इनमें से एक भी चेंज हुआ, डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन आना फिक्स है। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये चलता रहे, हम रेगुलेटर फैन का बढ़ाते रहे बढ़ाते, तो तेज़ चलता रहे तेज़ चलता रहे, तो उसकी इधर की भी स्पीड बढ़ती जाएगी। पहले यहाँ मान लीजिए इधर जाना चाह रहा था 10 से, फिर इधर 20 से, इधर 30 से, इधर 50 से, तो ये भी बढ़ रहा है, मतलब स्पीड भी अब कॉन्स्टेंट नहीं रहा, तो इसके पास एक और एक्सलेशन इधर आ जाएगा टेंजेंट की तरफ, उसको हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सिलरेशन। लेकिन टेंजेंशियल कब आएगा, जब स्पीड बढ़ रही हो, रेगुलेट करते जाएं। लेकिन अगर कांस्टेंट स्पीड चल रहा, पंखा लगातार चल रहा है, तो उसके पास सिर्फ ये एक्सेलरेशन होगा। और इस एक्सेलरेशन को निकालने के लिए आप वही v बराबर u प्लस at, स्ट्रेट लाइन वाला मोशन का इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, आप उसी से आता है ये। ठीक, तो सोचिए एक ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा है स्पीड बढ़ता हुआ, तो इसके पास कितने एक्सेलरेशन होंगे, दो हो गए, एक तो इधर टेंजेंट और एक दूसरा सेंटीपिटल, तो at इधर और सेंटर की तरफ ac, तो इसके पास नेट किधर जाएगा, एक इधर खींचना चाहता है किधर, तो कहीं बीच से जाएगा, इसीलिए तो बेचारा सर्कल पे घूमता ही है ना। तो सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट के पास दो तरह के एक्सेलरेशन हो सकते हैं, अगर सिर्फ डायरेक्शन की बात होगी बदलने का, तो सिर्फ सेंटीपिटल, और स्पीड भी बदलेगी तो उसके पास टेंजेंशियल भी आ जाता है। अच्छा ये बताइए, यूनिफॉर्म मोशन, मैंने बोला था कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एक ऐसा मोशन जिसमें इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चला जाए, तो क्या ये सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म कहलाएगा? तो जनरली सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म नहीं होता, क्योंकि इसमें वेलोसिटी बदलती है। लेकिन हम अगर यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं सर्कल में, इसका मतलब यूनिफॉर्म क्या है, उसका स्पीड, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी बदलती रहती है, सिर्फ क्या फिक्स हो गया, स्पीड। तो सर्कुलर मोशन अगर यूनिफॉर्म बोला जा रहा है, इट मीन्स कि उसमें उसकी स्पीड क्या है, फिक्स है, बदल नहीं रहे। जैसे पंखे चल रहे हैं लगातार, तो 2 घंटे से इसी तरह चल रहा है, बदल नहीं रहा है, स्पीड बढ़ नहीं रही ना घट रही है, लेकिन उसके हर एक ब्लेड की डायरेक्शन, हर एक मोमेंट पे क्या, और ये चेंज हो रही है। यहाँ जैसे ये ब्लेड हो गया, ये ब्लेड हो गया, ये ब्लेड हो गया, तो इस समय ये इधर जाना चाह रहा है, यही ब्लेड घूम के यहाँ पहुँचेगा ना, तो इधर जाना चाहेगा, तो डायरेक्शन बदल रहा है, यहाँ पहुँचेगा तो इधर जाएगा, लेकिन स्पीड क्या है, सेम है। तो हम इसको यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं, लेकिन उसमें मेंशन करना होगा कि स्पीड है यूनिफॉर्म, डायरेक्शन नहीं है। ठीक, अच्छा
अगर कोई चीज़ ऐसे सर्कल में घूम रहा है, मान लीजिए यहाँ पर है, सेंटर से यहाँ पे कोई आदमी बैठ कर देख रहा है इसको ऐसे, तो ये घूमते 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 यहाँ पहुँच गया कितने समय में, टी टाइम में, जिसके पास कुछ वेलोसिटी होगी अपनी, यहाँ पहुँचा। अब ये आदमी यहाँ वाला कैसे दिख रहा है, ऐसे इधर दिख रहा है, तो ये सेंटर पर कुछ एंगल बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा। सिंपली जैसे हमारे सामने से कोई चीज़ गुजरा तो हम यहाँ देखेंगे तो ऐसे देखते हुए इधर जाएंगे, तो हमने क्या किया, एंगल स्वैप किया। वो एंगल जो स्वैप किया गया है इस ऑब्जेक्ट के द्वारा, कहाँ पर, सेंटर पर, इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट थीटा से रिप्रेजेंट होगा, क्लियर। कितने टाइम में हुआ, टी टाइम में, तो अगर डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड कर दे तो क्या बन जाता है, वेलोसिटी। ये तो हम पढ़े थे, लेकिन कौन सी डिस्प्लेसमेंट है ये, एंगुलर, तो वेलोसिटी भी कौन सा आएगा, एंगुलर ही आएगा। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ओमेगा से, डब्ल्यू जैसा होता है ऐसे हल्का सा, उसके ऊपर वाले पोर्शन अंदर कर देते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, ओमेगा, ठीक है, ग्रीक वर्ड है। तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अपॉन टाइम होता है। ये हमारे पास ये हो गया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट किस में नापा जाता है, एंगल, रेडियन में। मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी में बताया था कि एंगल किस में नापा जाता है, रेडियन में। तो सोचिए एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई, ऊपर हो गया रेडियन, RAD शॉर्टकट में लिखा जाता है, नीचे टाइम का सेकेंड, तो इन दोनों का रेशियो रेडियन पर सेकेंड किसके बराबर हो गई, ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई, रेडियन पर सेकेंड, जबकि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। वहाँ लेंथ चलता है, यहाँ क्या चल रहा है, एंगल चल रहा है, दैट्स ऑल। एक चक्कर में कितना चलेगा पूरा, यहाँ जाएगा ना, तो डिस्टेंस तो चलेगा पूरा 2πr, अगर इसकी रेडियस आर है तो कितना डिस्टेंस चला, सर्कमफेरेंस 2πr। लेकिन सोचिए मैं आपसे पूछता कि डिस्प्लेसमेंट कितना चला, कौन सा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो यहीं से चला और यहीं आ गया, तो कितना चला वो, जीरो। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चला है कि नहीं, चला है, यहाँ से चला और वापस यहीं आ गया, तो कितना एंगल चल कर आया है, 2π, मतलब 360। तो देखिए तीन तरह की चीज़ हो गई, डिस्टेंस पूरा सर्कमफेरेंस 2πr, लीनियर डिस्प्लेसमेंट चला वहीं से वहीं आ गया, तो लेंथ चला ही नहीं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, वहीं वापस चला आया, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जीरो। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चला है, क्लियर। तो ये कहानी हमारी बेसिक थी सर्कुलर मोशन, और इसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो एक दो चीज़ें जो छूट रही हैं वो हम उसमें कवर करवा देंगे, क्लियर। तो एक वीडियो और मोशन पे होगा जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।